कुछ परिस्थितियां बनी, किसी ने कहा कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है और वो हमसे आके मिलना चाहते हैं, राजद से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और राजद ने उनके पीठ पर छुरा घोंपा है। वो आगे खुद हम लोग क्या दरखास्त किए हमें एनडीए में शामिल कर दिया और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ एक ये समझौता हुआ कि वीआईपी पार्टी को हम अपने 121 सीटों में हिस्सा देंगे और हमको माननीय नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड अपने सीटों में हिस्सा देंगे। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई, ये तय हुआ कि 12 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे, यही समझौता हुआ था। और उसके तहत हम लोगों ने मिश्र जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं 5 साल लगातार। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, दोनों वर्तमान विधान और निवर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था और ये तीनों 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे, ये समझौते के साथ हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर में बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको किसी ने पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के ही चुनाव लड़ रहे थे और यह हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पास कर दिया था, मैं खुद उसका सदस्य हूँ। तीनों का पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह खुद उस समय बहुत चक्का थे कि हमें आप कैसे क्यों कर रहे हैं कि हमें वीआईपी के टिकट पर क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये परिस्थितियां थी और हमका चूंकि ये तीनों पार्टी के कार्यकर्ता थे और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होता है उसका पूर्णतः पालन करता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा क्योंकि यह समझौता हो गया कि ये लोग लड़ेंगे इसलिए वो चले गए और आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया तब यह बात समाप्त हो गई और जो इन्होंने कहा कि अब हमको क्या करना है, हम उनके लिए तो जीवन में न कभी थे न जाएंगे और इसलिए तीनों हमारे दल में शामिल हुए। मैं तीनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मोबाइल छीन के पटक देंगे। मैडम आ गया नहीं है, मैडम आ गया नहीं है, मैडम मोबाइल करो। एक नंबर आप कुर्सी ले लिया, अच्छा किया, बस आप उठाओ भाई। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर भूखे देखे हमारे तीनों विधायकों का स्वागत नीचे करो भाई। Yeah!